अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फातिमा रंगरेज आपके लिए फ्रेंड मैं अंडा रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक बड़ा प्याज लिया है, उसको ऐसे रफली चॉप किया है फ्रेंड। यहाँ पर थोड़ा कड़ी पत्ता लिया है, दो हरी मिर्ची ली फ्रेंड, एक बड़ा शिमला मिर्ची ली, उसको मैंने ऐसे शेप में काट लिया फ्रेंड। और तीन मैंने यहाँ पर अंडे लिए फ्रेंड, इसकी जर्दी मैंने निकाल दी है, सिर्फ इसकी यही चाहिए, हमें जर्दी नहीं चाहिए फ्रेंड। और यहाँ पर जो हमारे बेसिक मसाले हैं, एक चम्मच मैंने आधा हाफ टी स्पून मैंने धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून मिर्ची और हाफ टी स्पून नमक लिया है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेंड हमने यहाँ पर तेल गरम किया। अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें अंदर हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, शिमला मिर्च और प्याज, इन सबको एक साथ ही ऐड कर देंगे फ्रेंड। इन सबको फ्रेंड हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हम इसको थोड़ा फ्रेंड जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, हल्का गल जाएगा फ्रेंड, जब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। तो गैस हमारा तेज ही फ्रेंड तेज पे ही करेंगे हम इसे। देखिए फ्रेंड हमारी शिमला मिर्च और प्याज हल चल के फ्रेंड सॉफ्ट हो गए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे फ्रेंड हम इसे। अब हम जो मसाले जितने ना फ्रेंड ड्राई वो हम डाल देंगे शिमला जमाने, गैस को थोड़ा हम स्लो कर देंगे फ्रेंड, जो मसाले जल जाएंगे अगर हम तेज पर रखेंगे तो। फ्लेम हमने स्लो कर दी है, ये मसाले जल जाएंगे फ्रेंड। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्रेंड हम मसालों को भी भूनेंगे। ये फ्रेंड आप बच्चों के टिफिन में, हस्बैंड के टिफिन में दीजिए फ्रेंड, सिंपल और बहुत टेस्टी, आप बना के ट्राई करिएगा ज़रूर एक बार। और हमारे घर में रहते ही फ्रेंड बेसिक मसाला, ज़्यादा कोई मसाले भी नहीं इसके अंदर फ्रेंड। 2 मिनट उसको सोते होकर फिर उसके अंडे, ये देखिए फ्रेंड हमारी हमने 1 से 2 मिनट भुना फ्रेंड। देखिए हमारे प्याज शिमला मिर्च अच्छे सोते हो गए, मसाला भी हमारा फ्रेंड अच्छा भून गया है। अब फिर हमने जो बॉयल अंडे लिए ना फ्रेंड, हम उसके अंदर हमारे ऐड कर देंगे और हम इसे मिक्स कर देंगे फ्रेंड। कितनी सिंपल रेसिपी, आप इसे बच्चों को टिफिन में दीजिए, हस्बैंड को दिए, चाहे ब्रेकफास्ट में दीजिए फ्रेंड, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट इससे बनने में लगे फ्रेंड, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा फ्रेंड। और साथ लगा अगर उबले हुए अंडे रखेंगे ना फ्रेंड, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब हम इसे सर्व करेंगे फ्रेंड, आप भी ज़रूर फ्रेंड बनाइए, सिंपल रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी फ्रेंड, ज़्यादा मसाले भी नहीं और बहुत ईजी है, 5 से 7 मिनट में फ्रेंड रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर बनाएगा फ्रेंड और मुझे बताइएगा कैसी बनी हो। प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिए फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।